सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टैगल सीख में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बार फिर से एक ऐसी कमाल की शानदार सी एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसकी मदद से यहाँ पे आप अपने मोबाइल से लिए हुए फोटो को DSLR की तरह फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने मोबाइल से कोई भी फोटो को क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन उस फोटो को टोटल DSLR जैसे कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर देगा, जो जो फीचर्स DSLR में रहते हैं वो सारे इफेक्ट आपके फोटो में ये एप्लीकेशन डाल देगा। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि जो कुछ आपको इस वीडियो में समझाऊं वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके मैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे आप ऑल बटन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं फीचर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है फोटो एडिटर। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल के आइकॉन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में चले जाना है, उसके नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मैं इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो के टाइटल प्रेस करना है। टाइटल प्रेस करते ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसके चेक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पॉइंट ब्लर के ऑप्शन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐड आएगा, तो फ्रेंड्स इस ऐड को स्किप कर देना। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं ऐड को यहाँ से स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मोशन ब्लर, कौन सा ब्लर चाहिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से ब्लर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे DSLR में अलग अलग फीचर दिया रहता है कि आप उसमें फोटो इफेक्ट डालते हैं, या कि आप फोटो क्लिक करते ही टाइम उसमें इफेक्ट आपको डल जाता है कि आपको ब्लर चाहिए, कैसे फोटो चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोशन ब्लर को मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखिए फिर से एक ऐड है। इस एप्लीकेशन में आपको ऐड काफी सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप ऐड देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक फोटो मेरे को यहाँ पे दिख गई है, ये फोटो ब्लर कर दिया इसने ऑटोमेटिक। अगर आप गैलरी से अपनी फोटो को भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से गैलरी से फोटो को भी ले सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद चॉइस गैलरी या टैग फोटो, यहाँ से आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे तो ये पूरा ब्लर कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे फेस को हटाना कि फेस ब्लर ना रहे, तो यहाँ से आप फेस में यहाँ पे फेस बॉडीज यहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी फोटो कितनी कमाल की यहाँ पे बन जाने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए फोटो कितनी कमाल की लग रही है। यहाँ पे टोटल ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि ये फोटो आपने अपने मोबाइल से क्लिक की है, वही बोलेगा कि आपने ये DSLR से फोटो क्लिक की हुई है। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी एप्लीकेशन से आप अपनी फोटो को भी काफी शानदार सा लुक दे सकते हैं।